हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं IFL एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसकी अभी करंट प्राइस चल रही है। आप देख सकते हो 1.21 रुपये दिन। स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि स्टॉक कुछ, आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटिव स्टॉक है, स्टॉक्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, इन सब का स्टॉक काम करता है, यानी कि फाइनेंस रिलेटिव स्टॉक होने वाला है। देन स्टॉक में काफ़ी टाइम से गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही, तो स्टॉक में इस टाइम पर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले देखते हैं, BSE में कंपनी लिस्टेड है। अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही पैनी स्टॉक है। अब देख सकते हो 90 करोड़ का स्टॉक का मार्केट कैप है। स्टॉक की बाउंड भी खाई की बात करते हैं 60.40 रुपये। स्टॉक की बाउंड भी लो की बात करते हैं तो 1.40 रुपये। स्टॉक की PE की बात करते हैं 90.2 निकल के आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 35 पैसे। डिविडेंड कंपनी बहुत ही कम देती है। देन अगर हम बात करते हैं ROCE की, तो 5.57 निकल के आती है। फेस वैल्यू स्टॉक की 1 रुपये है। आगे देखते हैं तो स्टॉक कभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 55 रुपये के आसपास। एंड अगर हम बात करते हैं 5 ईयर्स के चार्ट, 3 ईयर्स के चार्ट पैटर्न की, तो स्टॉक करीब यहाँ तक गया था 55 जैसे रुपये के, मैंने बताया यहाँ से 3 रुपये के आसपास से। अभी स्टॉक इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था, तो स्टॉक को करना क्या चाहिए? अभी क्या स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है? क्या टारगेट होने वाले हैं स्टॉक के? सभी के ऊपर हम बात करेंगे। तो कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एंड आगे देखते हैं हम, तो कंपनी यहाँ पर 8 नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो सेल्स कंपनी के नॉर्मल है, ठीक ठाक है। एंड OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में जा चुका है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो माइनस में जा चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं ईयर बाय ईयर बेसिस की, तो सेल्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR रिटर्न माइनस में, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा रिजर्व कंपनी का यहाँ पर कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा। एंड कर्जे की अगर हम बात करते हैं तो कर्जा कंपनी के ऊपर कुछ खास नहीं है, टोटल एसेट कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करते हैं आगे शेयर होल्डर पैटर्न्स की, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देख सकते हो आप, देख सकते हो यहाँ पे शेयर होल्डर पैटर्न प्रमोटर्स की, इसमें 2.76% होल्डिंग है अभी। हालांकि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, साथ में पब्लिक इसमें 97.23% के आसपास इन्वेस्टेड है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने इसमें फंसे हुए हो, किस लेवल पे फंसे हुए हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अभी इसमें कोई भी लेवल निकल के नहीं आता है। अगर हम इसमें ऑल टाइम पर देखते हैं मैक्सिमम स्टॉक में, तो यहाँ पर स्टॉक एक टाइम पर ट्रेड कर रहा था 1.44 रुपये, जो कि वहीं पर स्टॉक वापस से आ गया, ठीक है। तो करीब यहाँ पे जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा था बहुत टाइम पहले 2019 के करीब, वो इसी लेवल पे आ गया है। तो अभी आप बता सकते हो किस लेवल पे आप फंसे हुए हो, तो मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। बाकी आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होगा, जिसने भी इस लेवल पे ख़रीदा होगा ऑलमोस्ट उसका पैसा 0 के आसपास पहुँच चुका होगा। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो नए लोग इसे बाई करने की सोच रहे हैं वो फ़िलहाल इससे दूर ही रहिएगा। और मेरे हिसाब से जो लोग फंसे हुए हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए किस लेवल पर फंसे हुए हैं, क्या आपको करना चाहिए, बाकी सलूशन देखते हैं। देन ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो अगर आप बाई करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो एक बार अपनी एनालिसिस रिसर्च ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।